गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। आपको जानकारी दे दें, कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। वहीं चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यालय में तैयार होगी पार्टी की रणनीति। बीजेपी कार्यालय आसपास के क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए, 3 किलोमीटर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। तो अमित शाह का दौरा जो है वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जहां पर एक बड़ी बैठक भोपाल में आयोजित की जाएगी। बीजेपी कार्यालय आसपास के क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, 3 किलोमीटर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिए गए हैं, इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अमित शाह के दौरे के मद्देनजर? जी देखिए, गृहमंत्री अमित शाह का जो भी कल दौरा है, ठीक 7:30 बजे जाएंगे गृहमंत्री भोपाल पहुंचेंगे। वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के नेतृत्व संगठन के साथ जो है उनकी बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के मद्देनजर और सुरक्षा के मद्देनजर जो है बीजेपी कार्यालय के आसपास के 3 किलोमीटर को नो फ्लाइंग जोन जो है घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पूरा वीवीआईपी मूवमेंट है, जैसे सुरक्षा रहती है इस दौरान। और इस बात के मद्देनजर रखते हुए 3 किलोमीटर के जो दायरे में है नो फ्लाइंग जोन रहेगा, यानी कि ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बलून या फिर किसी भी तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर यहाँ पर जो है रोक रहेगी। अगर किसी भी तरह का कोई व्यक्ति इस पर उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत जो है उस पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिसके लिए जो पुलिस उपायुक्त है भोपाल के विजय भागवान जी, उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है और ये आदेश जो है तत्काल प्रभाव से लागू हुआ जाएगा, जिससे अमित शाह पार्टी कार्यालय से निकल कर दिल्ली के लिए रवाना नहीं हो जाते। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच जो है गृहमंत्री भोपाल पहुंचेंगे। करीब 3 से 3.5 घंटे उनकी एक बड़ी बैठक रहेगी, जिसमें की शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंह, वीरेंद्र सिंह समेत तमाम बीजेपी संगठन के जो मध्य प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हुए थे। जी नीलम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।